कीट मत करी हाय हाय नाली मत बनवाई हाय हाय पुलिया मत बनवाई अरे तो जब कुछ बनवाइबे ना करब तो बनवाए का करे मैंने विधायक बन के। ये बीजेपी के विधायक गाने गाते हैं, गाने लिखते भी हैं, विधानसभा में भी खूब सुनाते हैं। हम विधायक अध्यक्ष महोदय सदन में जीत कर आ गए, अपना पेंशन बचा लिए, सबका पेंशन खा गए। जनता के सामने अपनी सेखी भी कमाल के बघारते हैं। जीरा बुझाता आ 40 पंचायत में के बनी दाता आ योजना के ओखरी में मूली कुटाता, बताइए मलिकार बिहार कहाँ जाता। बिहार कहाँ जाता वाला गाना लगता है इस ठग ने सुन लिया। तभी तो विधायक की हेंकड़ी गुम कर दी इस ठग ने, जो पुलिस की हिरासत में है। ठगी भी ऐसी कि विधायक जी के सारे राग धरे के धरे रह गए। हारमोनियम पर उंगली चलाने वाले विधायक ने फोन पर हाथ क्या फेरा, खाते से 1.5 लाख से ज्यादा की चपत लग गई, वो भी एक्साइज का अधिकारी बनकर। दरअसल बीजेपी विधायक विनय बिहारी के पास एक कॉल आया। कॉलर ने खुद को कस्टम ऑफिसर बताया, अच्छी गाड़ी के ऑक्शन का सपना दिखाया और इस सपने में खोकर विधायक जी ने कर दी गलती। फोन के माध्यम से रजनीकांत सिंह, जो नाम गलत है, उस नाम से हमारा संपर्क, और उन्हीं का एक दिन फोन आता है कि हमेशा बोलते थे मैं कस्टम में ऑफिसर हूँ, मैं तो उसी नाम से उनको जानता था। उनका फोन आया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ कस्टम में ऑक्शन की गाड़ियाँ हैं जो बिकने को तैयार हैं, तो आप उसमें से लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं गाड़ियों का वो सब पूरा ब्यौरा भेज देता हूँ। और मैं उसको सही मान कर, क्योंकि पहले से बात होती रही है, तो मैं लगभग 1,54,000 रुपया हमारे जो PS साहब हैं उनके माध्यम से गाड़ी खरीदने के नाम पर। विधायक अच्छी गाड़ियों के सपने पाल रहे थे, सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी दौड़ाएंगे, सस्ते में महंगी कार दौड़ाएंगे, लेकिन सारे सपने पर पानी फिर गया। ठग कार क्या देता, ठगी कर फरार हो गया। जब एक माननीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, मैंने एक विधायक, सांसद इस टाइप का आदमी, या कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे जुडिशियली से हो, चाहे पुलिस विभाग से हो, चाहे किसी भी कार्यपालिका से हो, विधायिका से हो, जो भी हो, जब ऐसे लोगों को अकाउंट में पैसे मंगवा करके ठगी की जा सकती है, ये लोग और कितने लोगों को ठगे हो। विनय बिहारी से ठगी के इस मामले में अभी भी मास्टरमाइंड निवास सिंह फरार है। वहीं खैरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के डुमरा गांव से रामाशीष यादव को गिरफ्तार किया है। नाम गलत है, उस नाम से हमारा संपर्क, और उन्हीं का एक दिन फोन आता है कि हमेशा बोलते थे मैं कस्टम में ऑफिसर हूँ, मैं तो उसी नाम से उनको जानता था। उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ कस्टम में ऑक्शन की गाड़ियाँ हैं जो बिकने को तैयार हैं, तो आप उसमें से लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं गाड़ियों का वो सब पूरा ब्यौरा भेज देता हूँ। और मैं उसको सही मान कर, क्योंकि पहले से बात होती रही है, तो मैं लगभग 1,54,000 रुपया। विधानसभा में गाने वाले विनय बिहारी खूब सुर लगाए, लेकिन ठगी ऐसी हुई कुछ दिन तक तो शायद आवाज भी नहीं निकाल पाएंगे। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।